घर पे कौन आया है? तो अंकित भाई कैसे हो? पंजा लड़ा के देख, जान है ये छोरे मैंने। चोर क्या चोरी करके खा रहा है दिखा। पूरी अफ्तारी की तैयारी करते हैं। उसको लगा पता नहीं क्या है, मम्मी क्या दे दी है। मेहंदी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे घर में आप देख रहे होंगे बहुत सारा सामान पड़ा है। तो सामान क्यों पड़ा है? क्योंकि आज होने वाला है जैद अयान तूबा चीकू का प्री बर्थडे शूट। जैसे होते ना प्री ब्राइडल होता है, प्री वेडिंग होती है, ऐसे हमारे बच्चे के बर्थडे से पहले उनका शूट हो रहा है। एक साल के कम्प्लीट होने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले किया था ना वही दोबारा आए हैं बच्चों का शूट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जब ये छोटे थे ना तो बहुत आसानी से इनका शूट हो गया था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नहीं 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 नहीं, जैद के साथ दिक्कत आई थी पर अब जैद कर लेगा मुझे ऐसा लगता है। उस टाइम जैद ऐसे लुढ़क रहा था उस टाइम पे, याद है? जैद ने गर्दन ही संभालता ना, उसको रखती थी। अच्छा ये कहती है, इसको टेंशन नहीं रहती थी गुडू ये गर्दन संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ये गर्दन इसकी गर्दन। मैं बोलती थी गोलू इसका सर बड़ा है, मैं बोलती थी इसका सर बड़ा है इसका सर छोटा होगा। मुझे इतनी बचपन से टेंशन रहती थी ना उस टाइम पे, जब जैद तीन दिन का था ना तो भैया ने शूट किया था, तो उसको क्या पहनाया था मैं भूल गई, उसको क्या बोलते हैं तो रैप करते करते ना इन्होंने जैद को ऐसे ऐसे किया और ये सो गया था। मतलब इतनी हैरानी की बात थी। तो आजकल ना बच्चों का जो पैदा होते हैं बच्चे उनका फोटोशूट ट्रेंड में है ना, आजकल हर कोई कराता है अपने बच्चे के, वो जो प्रीशियस मोमेंट होता है ना वो हर कोई कैप्चर करता है। तूबा पहले ज्यादा वो थी, वीक थी, अब बिल्कुल ठीक है सारे। तो भाई अभी फाइनली घर पे कौन आए हैं? घर पे आए हैं हमारे छोटे भाई अंकित बहनपुरिया, जिसको सभी जानते हैं राम भाई। राम राम भाई सारे ना, ये तो फुल डायलॉग चाहिए पूरा अपना जो अपना है पैटर्न। तो अंकित भाई कैसे हो? बढ़िया। तो भाई अंकित भाई बिल्कुल दिल से हमारे छोटे भाई हैं, और अभी चाय वाय पी रहे हैं। देखो हरियाणा वाले को चाय पहले अच्छी है, डाइट तो चलती रहेगी साथ साथ नहीं। और ये हमारे भाई हैं, और इनका नाम किस किसने सुना है? नंगलवासी को फॉलो करो, तो ज्यादा पहचाना है। हाँ तो भाई का चैनल अभी यूट्यूब पे नया बना है, अंदी। तो भाई फॉलो भी कर लेना, बहुत ही कमाल के भाई है हमारे, आप जितना हो सके सपोर्ट करो। चाह भी चाह असि पंजाब दे भी वादी पींदे हैं, आंदे जांदे पहला चाह चाहिदी हुंदी सानू, खैच के रखो। तो भाई फाइनली हम डायमंड बटन अंकित भाई को दे रहे हैं क्योंकि ये इस चीज का हकदार है। तू के नाम ले रहे इंस्टाग्राम फोटो गिरते नो तो क्यों करा गया तेरे 10वीं दिन होए कोने गए। तो भाई अभी अंकित भाई से दो चार सवाल पूछ लेते हैं। अंकित भाई नया कोई चैलेंज आने लग रहा है? खतरनाक तो ना है पर हाँ ठीक है। आम आदमी खतर तो देख जो तो नहीं पे करा, वो भी खतरनाक है, वो भी हल्का नहीं है भाई, वो भी खतरनाक है। अरे मैंने बहुत सारी आंटियों को भी भैया से मोटिवेट होते हुए देखा है, वो आंटियां सुबह सुबह ऐसे चुन्नी बांध के लग जाती हैं, ये मेरा है आज ये वाला चैलेंज। हिंदुस्तान के हर बच्चे को चेंज किया अंकित ने, और अपने घर से ये दिखा है सबको ही बताया बात। तो भाई हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भाई हम हरियाणा से, और हमारा भाई इतना आगे बढ़े कि भाई इसको कोई छू भी ना पाए। मतलब मैं चीज बनाना चाहूंगा, मैं उस चीज ने ज्यादा ऊपर ती करूं और उसमें लोग भी रिलेट कर पाऊं, वे भी उसकी गल्ला नु महसूस ना कर पाऊं, ये तो मैं ना कर सकता। हाँ जैसे अभी तूने हार्ड चैलेंज किया था, आज के दिन जिम में भी लोग करने लग गए हैं और चल ही रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ ये नहीं था। एक मैंने बच्चा देखा था, बच्चा नहीं मतलब लड़का था, वो कोई शॉर्ट हाइट वाला था, उसने आपको टैग किया था ना वो कहीं से। मैं हरियाणा आना चाहता हूं। हाँ मैं अगर भैया का मैंने उसका वो पढ़ा था। अंकित भाई से एक चीज और पूछ लेते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल चीज है। आजकल अंकित भाई बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे गिनती भी नहीं है, फर्जी चीजें कर रहे हैं, ये गिफ्ट दे देंगे वो गिफ्ट, उसके बारे में क्या बोलो भाई? देख मैं तो बताऊँ एक चीज, मेरे हिसाब से मेरे मतलब एक के बाद खत्म हो जाए सारी बात, जिसका जो कर चल रहा है चलने दो, चलने दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने सीध रहा, जब ती हमने कोई कुछ नहीं कहना है, जब ती देखी कुछ कहो नहीं, हम कह नहीं रहे किसी को। अब कुछ लोग बिहार से आ जाते हैं भाई, कि मेरा कमेंट था मेरी घड़ी थी, घड़ी 350 रुपए की, किराए लगा के आते 2000 रुपए, तो उन चीजों के लिए वो देख भाई गलत है। पर मैं बताऊँ इंडिया की जो मतलब जनता मैं गया भी हूँ एक दो जगह, ये चक्कर लोग मेरे साथ कुछ भी करना तैयार आ रहे, मतलब फ्री में कुछ भी चीज मिल जाए, कफन में मिल जाए तो ले लेंगे लोग, यही बात है ना भाई। वैसे ये बात भैया ने बिल्कुल ठीक कही कि देने वाले की गलती नहीं है, जो फ्री के चक्कर में लेने आते हैं उनकी गलती। क्या बात। तो भाई आज चीकू का पहला दिन था, और बता तो दे चाचू को क्या रहा, कैसा रहा? अब तू बड़ी क्लास में चला गया, चाचू को बता तो दे। मेरा एक दोस्त है वो तो अभी फर्स्ट में है। आप सेकंड में हो गए। तो चीकू भाई अंकित बहुत होशियार छोरा रहा है, देख तू एक बार इसे पंजा लड़ा के देख चीकू। अब देख ये जान है छोरे मैंने, वाई आर यू गुड चीकू, चीकू खींच के खींच के चीकू, छोड़ देना ओके। तो गाइस आपको ना एक चोर दिखाती हूँ, और चोर क्या चोरी करके खा रहा है दिखा। देखो चोर समोसा खा रहा है चुपके, क्योंकि जिम करती है ना तो इसको ऑयली चीजें मना कर रखी है। तो चीकू पापा बाहर बैठे बिजी है अभी, तो यहाँ पे चुपके यहाँ पे, क्योंकि ना कैमरा यहाँ से दिखता नहीं है। काट देना क्या करे? अच्छा काट दे, ठीक है
काट दो गाइस। जो हमारे घर में काम कर रहे हैं ना भैया, वो मुस्लिम हैं, तो आज उनकी अफ्तारी मतलब 7 बजे का टाइम होता है उनका, तो हम लोग घर में सारी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बना रहे हैं प्यासी पकौड़े, शरबत और समोसे मंगाए हैं, फ्रूट्स काट लेते हैं, पूरी अफ्तारी की तैयारी करते हैं। आज हम साथ में उनके करेंगे अफ्तारी। तो भाई अभी जा रहे नीचे और अंकित भाई को अपना स्टूडियो दिखा दिया, जिम दिखा दिया, तो अब वर्कआउट कब करेंगे हम साथ में भाई? कर लो भाई, मैं तैयार रहेगा। तो अभी तो अंकित भाई बिजी है, मैं चाहता हूँ एक दिन स्पेशल वर्कआउट के लिए बुलाऊंगा। अभी आए थे, 2-4 काम थे वो निपटाए हैं सारे, तो अगली बार जब भी एक इंटरव्यू करेंगे बढ़िया सा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा अगर है और हरियाणा को हम मोटिवेट जितना भी मतलब हरियाणा में मोटिवेट जितना कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते रहे हरियाणा। ठीक है दादा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी मैं अंकित भाई को नीचे स्टूडियो दिखाता हूँ एडिटिंग का। चलो, बात बोलनी थी मेरे को। बोलो बोलो यार, नकेल वासी को बोलो कर लेना। गंगा है, ये 1 साल का बच्चा है। इसकी हाइट बड़ी होगी, बहुत बड़ा उस जैसा, उसको देखो ना पास से जाके, ये तो डर लग रहा है थोड़ा। डर लगता है तो खा नहीं जाते हैं, कूदेगा तो नहीं है, नहीं खाता। अरे वाह, क्या नाम है भैया आपका? राम राम राम। हाँ बोलो राम। अब राम, ओ वाओ, तो राम को और लंबा लग रहा है। राम के ना क्या है ना, थोड़े से खाने की कोशिश करता है ये ज्यादा, इससे बकवास नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे बस ये आता भी मेरे पास ही है, देखो और किसी के पास नहीं आता। तो भाई अभी पहुंचे स्टूडियो और अंकित भाई बताएंगे कैसा लगा। भाई मैं भी बनाऊंगा ऐसा ही। देखो आप काम करते रहो, टीम को रखो, टीम क्या चीजों को और आसान कर देते, फिर आपको माइंड फ्री रखती है कि भाई आप डाटा लाके दे दो, बाकी आप भूल जाओ सारी चीज आप कर दें। बेस्ट काम फालतू कर पाओ आप थोड़ा सा, और थोड़ा क्रिएटिविटी भी कर पाते उनको बता के अपने आप एडिट करेंगे नई चीजें काम कर सकते फिर। हाँ तो बस मैं अब अंकित भाई से हार्ड चैलेंज पूछा है, भाई मुझे भी कुछ सिखा दे, तो फिर बताया है, तो हम सोच रहे हैं कि एक 90 दिन का चैलेंज हम भी लेके शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, फिर मैं उसमें ना मैं क्या दिखाऊंगा, मैं सुबह उठा बाले किस तरह से हमारे ब्लॉग किस तरह बनाया, फिर वर्कआउट किस तरह करा, खाया क्यों, मेरी लाइफ फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो अब वो शुरू करेंगे। तो गाइस यहाँ पर चल रही है इफ्तारी की तैयारी, पूरी पूरी पकौड़े जो है वो भी बस बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रसगुल्ले, ड्राई फ्रूट्स, और मैं हमारे पास रोबजा नहीं था क्योंकि अभी जस्ट गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, तो मैंने रोबजा सामने वाली दुकान से मंगवा लिए। तो यहाँ पे भाई पकौड़े भी बन चुके हैं, अभी दही भल्ले जो है वो हम मंगवा रहे हैं, और साथ ही साथ जितना देखो हमें पता है हम सारी की सारी चीजें तैयारी कर लिए, समोसे मंगवा लिए थे। तो गाइस यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, सब हमने सामान सारा सजा दी है, और बीच में हमारे पास ना बच्चों वाला वो था पर वो बहुत ज्यादा छोटा था, फिर हमने क्या किया प्लेन चादर को फोल्ड करके यहाँ पे प्लेट्स लगा दी, सब सामान लगा दिया, बाकी और भी सामान है, रोबजा आ गया। तो गाइस जितना हमें पता है ना हम उतना कर रहे हैं, बाकी हमारी जो मुस्कान है ना उसने हमें बता दिया कि जो रोजा खोलते है ना वो खजूर से खोलते, तो खजूर भी रख दिए, वो लंबे लंबे काट दे। तो यहाँ पे शरबत भी बन गया है, और वैसे हम लोग जो शरबत पीते हैं ना वो दूध में ऐड करते हैं, पर ये वाला जो शरबत बनता है ना वो सिर्फ पानी और चीनी से ही बनता है, तो मैंने वही कर दिया। तो भाई बच्चों का रूम हो गया कंप्लीट, और जिन्होंने रूम कंप्लीट किया था हमारे भाई यहाँ पर आ गए हैं, और आज हमारी तरफ से इफ्तार की पार्टी, हमारी तरफ से आज की पार्टी हमारी तरफ से। हाँ भैया बैठो बैठो। तो भाई यहाँ पे चीकू सबसे पहले बैठ गया कि पापा खड़े हो, तारी पार्टी मैं भी रहूँ। अब दोबारा बैठो। जब हम हैदराबाद थे ना वहाँ पे एक बार हमें इफ्तारी पार्टी में बुलाया था किसी ने। हाँ जी, जब हमने ना हम लोग वहाँ पे रहते थे, हम होटल के ऊपर गए थे छत पे ना, कितना अच्छा लगा था ना, सो कितनी सारे पकवान होते हैं, देखो होता ही है, आप पूरा दिन रोजा रखते हो उसके बाद इफ्तारी पार्टी करते हो सब मिलकर, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई देखो जैसे ना हम नवरात्रे रखते हैं, इनमें रोजे रखते हैं, तो सारी चीजें बराबर है, बस थोड़े नाम अलग अलग। बिल्कुल सही बात है, हर चीज का नाम अलग होता है। हम वहाँ पे दरगाह में गए थे, वहाँ पे भी सब तारी कर रहे थे। शांति आजा बेटा, तू भी आजा, जैद को ले आजा। क्या हो बेटा, रूम पानी आ रहा है? तो बैठ जा फिर, आजा। तो जैद आप आओ इधर, आओ सारी पार्टी में, आओ जल्दी आओ। ठीक है, मैंने देखा इसका बाहर डॉगी आवाज कर रहा है, अकेला बड़ा बड़ा, मैं वहां जाती हूँ डॉगी बंद करने, इसको भी ले जाती हूँ। शांति ले चल इसको भी, बैठ जा भाई, हीरो बन रहा है, बैठना नहीं है क्या? सब हिला देगा इसलिए। एक काम कर, खाना खा के ना वहाँ पे वो कमरा हो गया रेडी, गद्दे बिछा दो उसमें। इफ्तारी शरबत स्पेशल भैया, ऐसे टाइम बनता है ना, देखो सही बनाए भैया, कह रहे हैं आज वो बैठ जो, टाइम हो गया है बस आप स्टार्ट करो, हम भी बैठते हैं। तो भाई इफ्तारी पार्टी में हम भी शामिल हो गए हैं, शुरू करते हैं। तो आप हाथ से भी खा सकते हो और चम्मच से भी।
भाई ऊपर वाले में इतनी शक्ति होती है। सुबह से हमारे भाई बिना खाए बिना पिए काम कर रहे थे, उन्होंने पूरा रूम तैयार कर दिया, अब जाके पानी का गिलास उसके साथ थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले भाई बहुत शक्ति होती है, चाहे वो रोजे हो या वो नवरात्रि। क्या बोलते भाई? हाँ बिल्कुल। तो जिम जाएगी आज से? कल से। कल से मैंने खा लिया। मैंने मुझे रसगुल्ला व्हाइट वाला। व्हाइट वाले तो बहुत पसंद है ना, व्हाइट कपड़े पहनना, व्हाइट व्हाइट रसगुल्ले, व्हाइट रसगुल्ले, व्हाइट मेकअप। नहीं व्हाइट पसंद नहीं है, व्हाइट फेवरेट कलर है इसका। गोलू ने क्या किया था ना, एक बारी पायल गोलू दोनों ने ढोकला बनाया था, और उस दिन के बाद ढोकले से ना मुझे एक साल में नफरत हो गई। वो ढोकला गाइस, वो ढोकला कम बेसन के बदले ज्यादा बनी थी, बनाई थी मैंने वो ना, तो उसमें इनो कम डली थी तो फूला नहीं था, बैठा बैठा था छोटा सा, मैं फूल गया खा के। वैसे एक बात सही कहते हैं कि अगर पूरे दिन में एक बार खाया जाता है ना, बहुत कम खाया जाता है। जब भैया से पूछ रही भैया क्या क्या बनाऊं, भैया ने बोला, मैंने कहा ये बनाऊं, भैया ने कहा कि इतना नहीं खाया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, जब आप फास्ट में रहते हो ना और एक बार खाना होता है तो खाया नहीं जाता। तो गाइस आज में पकौड़े इतने ज्यादा टेस्टी बने, इतने ज्यादा टेस्टी बने, मैंने अभी ढोकला खाया, एक छोटे रसगुल्ला खाया, पकौड़ा खाया, और बच्चों को मैंने तीनों बच्चों को नाशपाती एक एक पकड़ा दिए, क्योंकि ना ढोकला खाएंगे नहीं और चटनी में दही नहीं रहा। वेरी गुड बच्चों। तो भाई बच्चों को हम सारी चीजें खिलाते हैं, जितना जो वैसे होना भी ये चाहिए, जो भी आप खाओ ना बच्चों को वही खिलाओ, ताकि बच्चों को बचपन से ना हर एक फल फ्रूट फ्रूट और सब्जी सबकी आदत। अगर बच्चा ट्रेवल में हो और घर आपके पास घर का कोई खाना नहीं हो, तो बच्चा बाहर का खाना खा सके और डाइजेस्ट कर सके, जिससे कि उसकी तबीयत खराब ना हो। इसलिए बच्चों को हर एक चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को जरूर करते। इसको देख ले गोलू, गोलू समोसा, इससे समोसा पसंद आया है। खाना कुछ नहीं, उसे बिगाड़ना है, हाथ में लेगा और वो पूरा ऐसे कुचड़ुम कुचड़ुम कर देगा। पकौड़ी खाओ उसने हाथ में आते, कोई बात नहीं, वो उसको पिला रही थी ना, उसको लगा पता नहीं क्या है, मम्मी क्या दे रही है, मैं जरा एक बार टच करके देखूं व्हाट इज दिस, सही चीज है कि नहीं। पर रोज़ फर्स्ट टाइम पी रही हूँ ना, नाशपाती के पीछे पड़ी। तो गाइस रात के बज गए 12, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और जाने से पहले जिसने हमारा गाना नहीं सुना, नागनी फड़ेगी नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गाना जरूर सुनना और बताना कि आपको गाना कैसे लगा है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।